हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। ये जो छोटे बैंगन होते हैं इन्हें बनाएंगे हम इन्हें कैसे बनाएंगे, इसमें क्या क्या डालेंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली लेकर इन्हें अच्छी तरह से सेक लेंगे। मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, जब भी मूंगफली सेकें तो थोड़ा सा कम गैस पे सेकें, तो ये बहुत ही कुरकुरी होती है, नहीं तो ऊपर से जल जाती है और फिर अंदर से वैसे ही कच्ची, नहीं कच्ची रह जाती है, क्रिस्पी नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ पर लगभग इतनी सी मूंगफली ली है। अब हम लेंगे खोपरा, ये जो सूखा खोपरा होता है, इसे भी हम जैसे हम मूंगफली सेकते हैं इसी तरह इस तरह खींच कर और सेक लेंगे। मैंने यहाँ पर खोपरे को खींच लिया है। अब हम इसे तवे पर रखकर ज्यादा लाल करेंगे, बिल्कुल गुलाबी नहीं करेंगे बल्कि बिल्कुल लाल करेंगे। ये देखिए, ये हमारा खोपरा बिल्कुल लाल हो चुका है। हम गैस को बंद करेंगे। अब हम मिक्सी जार में ये जो खोपरा है ये डालेंगे, मूंगफली डालेंगे, और मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी इसमें डालेंगे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 टमाटर। ये टमाटर छोटे हैं इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ, अगर बड़े हो तो 2 ही डालें। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को बिल्कुल बारीक ग्राइंड करने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक हमने पहले भी डाला है इसलिए थोड़ा कम डालेंगे, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। अब हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर यहाँ हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। और हमारा जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पर, यह है कांदा लहसुन मसाला। ये किसी भी किराने की शॉप में ना मिलता है। ये अगर आपके पास ना हो तो आप थोड़ा सा लहसुन अदरक की मात्रा बढ़ा दें और फिर लाल मिर्च डालें। हम जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से हम ये कांदा लहसुन मसाला डालेंगे। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें हाथ से ही मिक्स करना है इसे। अब हम लेंगे बैंगन, बैंगन को हम इस तरह काटेंगे। अब हम ये मसाला इन बैंगनों में इस तरह भरेंगे। बैंगन में अच्छी तरह से मसाला भर लिया है मैंने। अब हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेंगे, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मोहरी। अब हम पहले कढ़ाई रखेंगे गैस पर। मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है गैस पर। अब हम इसमें तेल डालेंगे, लगभग 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच। अब हम इसमें जीरा मोरी और कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम इन बैंगनों को डालेंगे। बैंगनों को कढ़ाई में डालेंगे। अब हम पहले इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे। अब जब बैंगन ऐसे थोड़े से लाल हो जाएंगे, हम गैस को बिल्कुल बारीक करेंगे और ऐसी कोई प्लेट रखेंगे ऊपर।
बकेट में हमें पानी रखना है। इससे क्या होगा कि नीचे बैंगन लगेंगे नहीं और अच्छी तरह से गल जाएंगे। इस तरह हमें 5 से 7 मिनट तक ढकना है और बीच में बैंगन को एक दो बार हिलाना है। अब ये बैंगन लाल हो गए हैं, अब इसमें हम ये मसाला डालेंगे। अब हम यही प्लेट रखेंगे ऊपर और इसके ऊपर पानी डालेंगे। हम यही पानी अब सब्जी में डालेंगे। अब हम ये पानी पूरा इसमें डालेंगे। अब हम बैंगनों को फिर से ढकेंगे और फिर से इसके ऊपर हमें पानी रखना है, क्योंकि हमें इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है, हमें इसमें इस तरह ही पानी डालना है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब जब तक अच्छी तरह से बैंगन गलेंगे तब तक हम इसी तरह करेंगे, 2-3 बार इसके ऊपर पानी रखेंगे और जो ये पानी गर्म होगा वही इसमें डालेंगे, दूसरा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। अभी हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, ये जो हमने आमटी इसकी रस्सा बनाया है, ये अगर ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे, और अगर कम चाहिए, किसी किसी को सूखा पसंद है, तो इसमें पानी हम कम डालेंगे। अब मैं सब्जी को इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ी सी ऊपर से कस्तूरी मेथी डालेंगे। अगर कस्तूरी मेथी ना हो, हरा धनिया हो, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। अब ये हमारी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। सबसे अच्छी लगती है जवारी की जो रोटी आती है उसके साथ, नहीं तो आप इसे चावल के साथ, गेहूं की रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो एक बार इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और इस सब्जी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल।